हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंजलि चंदेलिया। कैसे आप सब? बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी। गाइस गाइस, आज 3 दिन हो गए मम्मी को हॉस्पिटल में। हमारा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, बिल्कुल अगर खाली खाली हो रखा है। पता नहीं मम्मी की छुट्टी कब होगी। कल मम्मी के बहुत सारे चेकअप हुए थे तो मम्मी की रिपोर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई। मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम बताई है और मम्मी के फेफड़ों में थोड़ी दिक्कत, इंफेक्शन हो रखा है फेफड़ों में। इसलिए गाइस अब तो मम्मी 1-2 दिन शायद रहेगी हॉस्पिटल में। और सारे हॉस्पिटल गए हुए हैं, बस मैं, प्रिया और ये मेरी अक्षी घर पर ही है। मैं जाऊंगी अभी हॉस्पिटल और मेरी मम्मी भी आएगी बुध बिहार से और मेरी मौसी भी आएगी सास से मिलने के लिए। तो इसलिए मैं भी अब जा रही हूँ। मेरे दोनों नंदे तो ससुर, ये तो कल रास्ते रुकी हुई थी। एक दीदी अभी गई है, खाना बना के ले गई थी दीदी। नंद के बच्चे बस मैं और प्रिया ही है। अक्षिता के पापा आ जाएंगे फिर हम भी जा रहे हैं। गाइस प्लीज़ आपसे प्रे करिएगा कि मेरी मम्मी जी जल्दी ठीक होकर घर आ जाए। मेरी मेरी बहन मम्मी से मिलना है बल्कि खुद ही बीमार हो रखी है। मेरे घर में सारे बीमार हो रहे हैं, तो अब प्रेयर कीजिए मेरे घर में सब ठीक हो जाए। अच्छा पराठा खा लीजिए हमारे साथ। देखिए पंडित के पराठे रुक जाए। ये मेरी मौसी, मेरी मम्मी आई है, मेरी सासू मासी मिली। दीदी ब्लॉग बनाने आलू पराठा खा लो, बर्गर खा लो, फ्रेंच फ्राई खा लो, मिर्ची नीले मिर्ची सॉस ले। गाइस हमने यहाँ बैठ के पराठे खाए हैं। ये पंडित के पराठे। गाइस हम यहाँ खड़े होकर ऑटो का इंतजार कर रहे हैं मम्मी के लिए। मम्मी बुध बिहार से आएगी है। मम्मी वाली मूर्ति मम्मी पर उतरेगी की है। मम्मी मेरे साथ आए। ऑटो नहीं हो रहा है, ऑटो बुक करवाओ। परेशान हो रहे हैं, घंटे से खड़े हैं ऑटो के चक्कर में। क्या मेरी मूर्ति से मेरी बहन आई। बाय, अब मैं जा रही हूँ। बाय दीदू, अब पता नहीं कब आएगी। मम्मी से मिलना है सब। मम्मी हॉस्पिटल में है ना, पता नहीं मम्मी की कब छुट्टी होगी, कुछ पता भी नहीं है। भाभी जरा नानी को बाय करो। अच्छा मम्मी, नानी को बाय करो। बाय बाय चाची, कुछ तो दिला दो, खड़ा करो पता नहीं अच्छे ना दिख रही। ये हटा देना मुझे। बाय चाची, बाय। आप भी आना कभी हमारे घर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जी चंदेलिया। कैसे आप सब? बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी। गाइस गाइस शाम को 3:30 हो रहे हैं। मेरा खाना बना रही हूँ, सुबह का खाना तो भिजवा देते। रुबी दीदी ने, रुबी दीदी अपने घर गई। शाम का खाना मैं बना रही हूँ। तो मेरी तबीयत खराब थी, सर में बहुत रखता और प्यार होंगी। तो अक्षय के पापा जी दवाई लेकर आए थे, थोड़ा सा आराम है। मैं खाना बना रही हूँ, उस पर ही भिजवा लें। मम्मी के लिए मूंग की दाल रखी है, तो मम्मी ने तो मना कर रहा है। दीदी के लिए बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी, तो मैं फ्राई कर रही हूँ आलू गोभी की सब्जी बना रही। टमाटर प्याज तो काट दी मेरे, टमाटर काट के अपनी सब्जी बनानी है मुझे। फिर सोयाबीन के चावल बनाने हैं। आलू गोभी ज़्यादा खाते नहीं है। सोयाबीन के चावल बनाने, रोटी बनानी है, शाम की चाय बनानी है। मम्मी के लिए चाय बेचूंगी, क्योंकि मम्मी को हॉस्पिटल की चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए तो अक्षय के पापा आए थे, हमें काम करी। दोनों बच्चों के साथ काम करना मुश्किल है। ये बच्चे काम नहीं करते तो बहुत परेशान करते हैं। वो भी जाएगा भाभी की, बहुत परेशान करते हैं, गोदी में चढ़ा रहता है। तो उसके पापा ने उनको पकड़ रखा है। देखिए ये मेरे पापा के साथ है दोनों। अंश अंश साक्षी, इसके पापा। अभी ये है, तुम्हें से खाना बन भी जाएगा। बाकी लिए तुम्हें कुछ भी नहीं होता, तुम्हें तब से ढीली सी हो रही है, बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब हुई पड़ी है मेरी। फटाफट मैं खाना बना लेती हूँ, फिर मुझे पैक कर लिया खाना। प्लीज़ आपसे प्रे करते रहिए कि मम्मी जी जल्दी घर आ जाए। गाय का 4 दिन हो गए मम्मी उठ चुकी है, बिल्कुल मन नहीं लगता। फिर से बिल्कुल सोना सोना सा लगता है। इस सोफे पे बैठ जाती थी मम्मी, बिल्कुल घर में रोना भी रहती है। मेरे कोई रोना पड़ती है, सारे हॉस्पिटल में रहते हैं, नहीं रहती दीदी। तीन दिनों में उसको भी रखते थे, फिर पापा भी, बच्चे भी रोते रहते हैं, किसी उनकी दादी भी दिखाई देती ना। आज 4 दिन हो गए मम्मी को, पता नहीं मम्मी छुट्टी कब होती है। मम्मी को ज़्यादा परेशानी होती है, मम्मी पैर में कुछ रहती भी होती थी।
मम्मी को कैल्शियम के इंजेक्शन भी लगते हैं रोज खाना खाने से पहले, इसमें जल्दी खाना बनाती रहती है। कढ़ाई वाई मम्मी ना हॉस्पिटल की चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, मम्मी कल ही कहती है मैंने यार घर से चाय भेजा करो, तो मैं तुझे खाना बनाने के लिए चाय बनाऊँगी तो चाय गर्म रहेगी हॉस्पिटल तक, तो कुछ जब तक लेने के रहेंगे इसलिए फटाफट खाना बना लीजिए प्लीज़ आप। मम्मी जी के लिए प्रे करते रहिए कि मम्मी जल्दी से घर आ जाए ठीक होकर, बच्चों को बिल्कुल मन नहीं लगता अभी दादी के लिए, और मम्मी कुछ ना कुछ बोलती रहती है जो हम काम करते रहे अंजलि ये कर दिया अंजलि वो करते, मम्मी कई बार मुझे अंजलि बोलते हैं अंजलि से ज़्यादा इसलिए इसलिए बहुत याद आ रही है। तो आप प्रे कीजिए मम्मी घर जल्दी आ जाए, बड़ों के घर में रोना होती है, बड़ों को आना बहुत जरूरी है। हमारे पापा जी तो हैं नहीं, पापा जी तो बहुत साल पहले हमें छोड़ देते हैं, कहीं जाते हैं क्योंकि बहुत साल पहले हमारी शादी से पहले की बात है, जब भी सारे भाई बहुत छोटे छोटे थे, मम्मी ने इन सबको संभाला है, तो मम्मी से घर में रोने गए, मम्मी से सब कुछ है हमारा, या तो प्रे करते रहिए मम्मी जल्दी करा। हेलो गाइस, गाइस मेरी सब्जी बन गया है, मैंने सोयाबीन के चावल भी चढ़ा दिए हैं, बस आटा गूंदना है। गाइस मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, मैंने खाना बना दी थी, ये छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, ये फोन इसका फोन जल गया थोड़ा, गैस के सामने खाना बना रही थी मम्मी के लिए हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, अब इसका फोन जल गया, अब मैं चेक करा गया हूँ तो फोल्डर बता रहे, वो फोल्डर डलेगा, फोन की स्क्रीन भी जल गई अंदर की, अब पता नहीं ग्लोब बनाओगे तो निशान आएंगे, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, वैसे इतना खर्चा हो रहा है, मम्मी हॉस्पिटल में है ऊपर से फोन का खर्चा हो रहा है। मम्मी ठीक हो जाए कोई बात नहीं, खर्चा बचा देखा जाता है, फोन भी ठीक हो जाएगा इसका। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं जिली चंदेलिया, कैसे आप सब, बहुत अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छी। गाइस गाइस आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, अब मैं और मेरी भांजी जा रही है मंदिर। हेलो गाइस, हैप्पी शिवरात्रि, हम अभी मंदिर होकर आते हैं, हम अभी मंदिर होकर आप सब दुआ कीजिएगा कि मम्मी की कल तक छुट्टी हो जाए, आज 5 दिन हो गए मम्मी हॉस्पिटल में ही है, हम जा रहे हैं मंदिर, लोग भी बने। गाइस हम मंदिर आ गए हैं, देखिए ये देखिए हमारा मंदिर, अभी मंदिर में भीड़ है, सही हम दोनों जल्दी आ गए, हम दोनों पूजा कर लेते हैं, कर तू कर पहले पूजा, मंदिर बना दिया। सब प्रसाद शिंदू ने चढ़ा दिया, बस मैं जल चढ़ा दूंगी। देखिए गाइस हमारा मंदिर है ना कितना सुंदर, हेलो गाइस मैंने पूजा कर ली है, अब अंजलि मामी पूजा कर गए, इस वाले दिए में लगा, ये खा लेते हाँ, ये इसमें लगा दो, गाइस ये मंदिर हमारी गली से निकलते ही है, तो हमें आने में टाइम नहीं लगा, पर हम सुबह लेट हो गए थे, पत्ते नहीं, पत्ते
मंदिर की नहीं आता घूम छोड़ देती है। गाइस देखिए रहा हमारा मंदिर, ये सब पूजा कर रहे हैं, मैंने और शिनू ने कर लिया, हम घर जा रहे दोनों। हमारे घर से थोड़ा सा ही बिल्कुल गली से बाहर निकलती है मंदिर है। गाइस देखिए मैं ना मुंह पे स्वेलिंग आ रही है, देखिए आँख की वजह से, पता नहीं कब मेरी आँख ठीक होगी, जाऊंगी डॉक्टर के दिखाने जब मम्मी घर आ जाएगी तब। अरे आ गया हमारा घर, ये है हमारा घर। घर आए तो ही अंश रो रहा है, देख जा रहे से क्यों रो रहा है इतना। गाइस मैं घर में जोत बत्ती करके गई थी, ये देखिए रहा हमारा मंदिर, देखिए रहा हमारा मंदिर। आप सब प्रे कीजिएगा कि मम्मी की जल्दी छुट्टी हो जाए, अंश रो रहा है, मैं इसको देख लेती हूँ।